KVL एप्लीकेबल फॉर इज रिलेटेड टू। KVL को हम पहले आसान भाषा में समझते हैं, एक क्लोज सर्किट है। R1 और R2 रेजिस्टेंस दो एलिमेंट है, इसलिए इस क्लोज सर्किट के दो ब्रांच हुए, एक R1 और R2 है इसलिए। और R1 और R2 को जो कनेक्ट करने का काम करता है वो पॉइंट होता है B, उसको हम क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। इसी नोड में KVL अप्लाई होता है, और KVL सिर्फ क्लोज सर्किट में ही अप्लाई होता है, इसलिए इसका आसान होगा जंक्शन वोल्टेज और बैटरी EMF भी इसका अप्लाई किया जाता है। तो इसका आंसर होगा D।